गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम जाने वाले हैं अमरकंटक। सुना है वहाँ बहुत सारी हसीन वादियाँ हैं, चलते हैं वहाँ की हसीन वादियों को एक्सप्लोर करने। ठीक है गाइस, तो आगे को व्लॉग में कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस, हमको लेने आ गए हैं नमन पांडे। हाय, बोल दो। हाय गाइस। तो कहाँ जाएंगे नमन? हम लोग जा रहे हैं अमरकंटक। कितने देर का रास्ता है? तुम्हारे हिसाब से चलाऊंगा तो 3 दिन, मेरे हिसाब से चलाऊंगा तो 1 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा बाद व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय। हाय, बोल दीजिए। हाँ, बोल दीजिए। इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कौन सा गुटखा खाते हैं भाई? कौन सा गुटखा खाते हैं? मैं रास रासरी। जर्दा या जर्दा के बिना? जर्दा। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम दीपेश। दीपेश, चलिए यूट्यूब पे देखिएगा। इस तो अब हम पेंड्रा पहुंच चुके हैं, अपने दोस्त आर्यन का इंतजार कर रहे हैं। आर्यन आ गया, तो हाय बोल दे आर्यन। हाय हाय, मेरी जान। चल चल ठीक, अब कहाँ चलना है? ये आर्यन का छोटा हवेली जो बहुत गरीब है आर्यन हमारा, इसलिए 2 फ्लोर बनवा के रखा है। गरिमा ब्यूटी पार्लर देख लीजिए गाइस, यहाँ आर्यन अपना मेकअप करवाता है। इसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया है, बात कर रहा है। और हर्षु का घर हो रहा पीछे। मैं भी आऊंगा तेरे व्लॉग में थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत तो आ गया। हाँ। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी कार को वॉश कराने। ये है, रुकिए आपको दिखाता हूँ, गुप्ता कार वॉशिंग सेंटर। ये है गुप्ता कार वॉशिंग सेंटर। और ये है हमारी गाड़ी। ये है पांडे जी, ये है अभिषेक, ये है आर्यन। कार काफ़ी गंदी हो गई है गाइस, देख सकते हैं। अब हम इसको धुलाएंगे, यहाँ 1 घंटा टाइम लगेगा। अब टाइम पास करते हैं हम। अंकल, कितना देर लगेगा गाड़ी धोने में? भाई अच्छे से साफ कर। अरे यार, गाइस तो अब हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। सिर्फ यहाँ से कितने किलोमीटर है भाई? 30 किलोमीटर दूर है। ये देखो गाइस, कूल बॉयज। ये देखिए ऑटो का जलवा। इसका ऑटो ऑटो भी आज नशे में है। गोल 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 पानी खेल रहा है। ऑटो भी नशे में है, क्योंकि वो भी बम है। हर्षु भी आज नशे में है। तो गाइस, कांटा लगा टोनी कक्कर का गाना। और ये है हर्षु का चॉइस। टोनी कक्कर का बहुत बड़ा फैन है गाइस। ये भाई अनमोल का ना भाई, मस्त गाना लगा। तो अपने यारों में गाइस, हम फाइनली आधा रास्ता पहुंच चुके हैं अमरकंटक के। यहाँ का व्यू बहुत ही जबरदस्त है। रुकिए आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अमरकंटक में। यहाँ हम पहला मंदिर विजिट कर रहे हैं, जैन मंदिर है इसका नाम। दिखाता हूँ आपको मंदिर, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बड़ा है। मंदिर तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके आसपास का जगह काफ़ी ऊंचा मंदिर है। अंदर जाके दिखाता हूँ गाइस आपको। असली मंदिर ये है, हैंड क्राफ्टेड पूरा मंदिर। मंदिर को बनने में 18-19 साल लगा है। इसके इतिहास के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये 2002 से बनना चालू हुई है और अभी अभी बनी रही है। और ये जो जितने भी इसमें मूर्ति लगे हुए हैं, अभी इधर दिखाना साले,
जितने भी इसमें मूर्ति लगे हुए हैंडक्राफ्ट है वो हाथ से बने हुए हैं, इसीलिए इसे बनाने में इतना टाइम लग रहा है। मेरे शादी के बाद तक बनते रहेगा अभी। हाँ तेरे शादी यहीं तो कराएंगे भाई। गाइस काफी सुंदर मंदिर है ये, भव्य मंदिर है। मूर्ति छह धातुओं से मिलकर बना है। छह धातुओं से छह धातु क्या है वो तो नहीं पता, देखना पड़ेगा, कहीं लिखा भी नहीं है। काफी बड़ा मंदिर है। खैर सोना खंबे के ऊपर चढ़ने का मौका मिल गया है, तो फटाफट चढ़ते हैं। बहुत चढ़ते थक गए वैसे, लेकिन जल्दी से चढ़ते हैं और ऊपर तक भी दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे पूरा हाथ से डिजाइन करते हैं। कितना टाइम से कर रहे हो? कितने टाइम से कर रहे हो काम? 22 साल। और कितना लगा इसमें पैसा बनाने में? पैसा कितना लगा बनाने में? इसमें मूर्ति रखे रहेंगे, यहाँ कहते हैं 11 लाख मूर्ति रहेगी। नमन कैसा लग रहा भाई दूसरे दिन में मेहनत करके? डर लग रहा है यार ऊपर चढ़ना। बहुत ही अच्छा होगा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखते हैं बाकी कैसा है। तो 12 फ्लोर चढ़ने के बाद हम आखिरकार पहुंचने वाले हैं, और दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। वाह ये है यहाँ का पूरा व्यू। अरे यहाँ से सामने से मंदिर दिखेगा। बहुत ही अच्छा सीन है गाइस यहाँ का, बहुत ही गाइस में पूरा पसीना पसीना हो गया 12 फ्लोर चढ़ के। तो तुम लोग कैसा लग रहा है? तो गाइस मैं जिंदा हूँ, आप लोग मेरा कामना मनाइए दोबारा कुछ सीढ़ी ना चढ़ाए। तेरे कैसा लग रहा है? मैं कौन हूँ? अच्छा मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, अभी 4 राउंड और चढ़ सकता हूँ। जा। और कितना साल लगेगा भैया? अभी 5 साल और लगेगा। और आप कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ? 11 साल हो गए। अच्छा कहाँ से? राजस्थान से, माउंट आबू। कितने साल से काम चल रहा है? 20 साल से। और 5 साल और लगेगा। हाथ से बनाया सर? मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, और मेरे को आपका जो ये ब्रांड है वो मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मेरे अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए, इसलिए आई एम आउट। किसको पटवाना है अर्शु? मेघा को। मेघा अगर आप इस वीडियो को देख रही है तो अर्शु से पट जाइए। गाइस गौर से देखिए आसिफ को, भले इतनी गर्मी है यहाँ लेकिन चादर के अंदर घुस के बात कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड से। इनका नाम है नमन पांडे। शकल तो दिखाओ नमन भाई। ठीक है गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने रूम, आपको रूम टूर कराता हूँ। यह है एक बेड, यह है दूसरा बेड, यह है हर्षु, यह है टीवी, इधर है बाथरूम, और ये है एक बड़ा सा मिरर। अरे बाप रे हम छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में खड़े हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के। इस बोर्ड के उस साइड है
छत्तीसगढ़ और इस साइड है मध्य प्रदेश। ये बीच में इधर जाते हैं तो ये है अमरेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा है। और इधर जाएंगे तो फिर ये सीधा सीधा रोड लेके हमको जाएगा अमरकंटक। और इस जगह पे ये जो मंदिर दिख रहा है, ये जलेश्वर महादेव का मंदिर है। आधा धूप आधा छांव, व्हाट अ सीन। ओके गाइस, तो बहुत रात हो चुकी है और हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूं मैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।